सो वेलकम बैक टू अनदर काउंटडाउन वीडियो। एंड आज के काउंटडाउन वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पांच ऐसी वेब सीरीज के बारे में जो कि रिसेंटली में रिलीज हुई हैं एंड इनको हिंदी लैंग्वेज में भी ड्रॉप करा गया था। मैक्सिमम शोज नेटफ्लिक्स के हैं बट एक मैंने प्राइम वीडियो का भी शो ले रखा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छा लगे वीडियो देन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो बात करें नंबर फाइव की, तो नंबर फाइव पर जिस सीरीज को मैंने रखा है उसका नाम है सुपर सेल। एंड ये जो सीरीज है वो आप लोग को साइफाई एक्शन थ्रिलर कैटेगरी के अंदर देखने को मिलती है। सीरीज की जो कहानी है कुछ ऐसे लोगों के ऊपर फोकस करती है जिनकी जो लाइफ है काफी नॉर्मल तरीके से चल रही होती है, लेकिन सडनली उनको रियलाइज होता है कि भाई उनके पास कुछ लाइक सुपर पावर्स आ गई हैं। एंड ये जो ऑल ऑफ सडन उनको सुपर पावर्स मिली होती हैं, इसकी वजह से उनकी लाइफ में काफी ज्यादा मेजर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो आखिर इन लोगों को ये जो सुपर पावर्स मिली है इनकी कहानी क्या है एंड क्या इसकी वजह से ये लोग किसी मुसीबत में फंसेंगे, अगर आप लोग को ये सब जाना है देन आप लोग को इस शो को चेकआउट करना पड़ेगा। मैंने सीरीज को देखा हुआ है, मेरे को सीरीज काफी अच्छी लगी थी। एंड इस सीरीज की अच्छी बात यह है कि इसमें टोटल आप लोग को छह ही एपिसोड देखने को मिलते हैं, तो जो कहानी उसके अंदर कुछ भी लाइक टाइम पास नहीं करा गया है, बहुत अच्छी तरीके से मेकर्स ने हर एपिसोड को लिंक करा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग का जो लाइक इंटरेस्ट है वो थ्रू आउट द सारे एपिसोड्स बना रहता है। एंड इसी वजह से मैं बोलूंगा कि जिन लोग को लाइक सुपर हीरोज वाले शोज देखना पसंद है वो एक बार कोई शो में अपना टाइम दे सकते हैं। IMDb रेटिंग आप लोग को इस सीरीज की 7 की देखने को मिलती है एंड ऑडियंस की तरफ से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हिंदी डबिंग भी बढ़िया है तो आप लोग आराम से इसको लाइक नेटफ्लिक्स के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। सो बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर जिस सीरीज को मैंने रखा है उसका नाम है टोक्यो स्विंडलर। ये क्राइम ड्रामा कैटेगरी की सीरीज है एंड इस शो के अंदर जो आप लोग को कहानी है वो एक ऐसे ग्रुप की देखने को मिलती है जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड स्कैम करते हैं। एंड इस बार वो लोग एक ऐसा लाइक तगड़ा स्कैम करने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो टोक्यो है वो हिल जाएगा, क्योंकि जिस अमाउंट का ये लोग स्कैम कर रहे होते हैं वो है 10 बिलियन येन का। एंड ये अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम है जो कि इन लोगों ने प्लान करा होता है। तो क्या ये लोग इस प्लान के अंदर सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे, कहानी इसी के अंदर आप लोग को मेनली फोकस करती हुई देखने को मिलती है। मेरे को भाई पर्सनली सीरीज काफी सही लगी थी एंड आई थिंक जिन लोग को भी हाइस्ट ड्रामा वाले शोज देखना पसंद है वो लोग इस शो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सीरीज के अंदर टोटल आप लोग को 7 एपिसोड देखने को मिलते हैं। डबिंग आप लोग को बढ़िया नेटफ्लिक्स ने प्रोवाइड करी हुई है। बात करें इसके IMDb रेटिंग की, तो आप लोग को 7.3 की देखने को मिल जाती है। सो बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर जिस सीरीज को मैंने रखा है उसका नाम है क्योस। एंड ये जो शो है उसको भाई जब नेटफ्लिक्स के ऊपर ड्रॉप करा गया था तो इसने काफी अच्छी पॉपुलरिटी गेन करी थी। ये जो शो है वो आप लोगों को कॉमेडी ड्रामा कैटेगरी के अंदर फॉल होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इस सीरीज के अंदर जो मेन प्लॉट है वो आप लोग को ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड लाइक प्रेजेंट करा गया है, जहां पे आप लोग को लाइक मॉडर्न तरीके से जो ज्यूस का कैरेक्टर है वो प्रेजेंट करा गया है। एंड सीरीज के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है कि कैसे लाइक अब जो लोग हैं उनका जो ट्रस्ट है वो भाई ज्यूस से हटता जा रहा है एंड जिसकी वजह से ज्यूस को ऐसा लगता है कि शायद से अब उनकी जो लाइक गद्दी है वो खतरे में आ चुकी है एंड उन लोग का जो अमरता का वरदान है वो भी शायद खतरे में आ चुका है। एंड इस सब को लेकर ज्यूस जो है अपना लाइक बदला लेने की कोशिश करता है उन लोगों से जो लोग ज्यूस के खिलाफ जा रहे हैं। सो क्या ज्यूस अपने प्लान के अंदर सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे, यही कहानी आप लोग को इस सीरीज के अंदर देखने को मिलती है जिसमें ह्यूमंस का भी काफी मेजर रोल रहने वाला है। तो आप लोग इस शो को डेफिनेटली चेकआउट करना क्योंकि इसके अंदर आप लोग को एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है एंड इसी वजह से इसकी जो कहानी थी मेरे को भी अच्छी लगी थी। अब देखो इस सीरीज के अंदर टोटल आप लोग को 8 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं एंड डबिंग इसकी भी काफी अच्छी आप लोग को प्रोवाइड करी गई है। एंड ये जो शो है वो ऑडियंस के बीच में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था एंड यही रीजन है कि इसकी जो IMDb रेटिंग है वो भी आप लोग को 7.5 की देखने को मिल जाती है। सो बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर जो सीरीज आती है उसका नाम है मॉन्स्टर्स द लाइली एंड एरिक मेंडेज स्टोरी। ये जो सीरीज है वो आप लोग को ट्रू इवेंट क्राइम ड्रामा के अंदर फॉल होती हुई देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप लोग को दो ऐसे भाइयों की कहानी देखने को मिलेगी जिन्होंने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया होता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है, अगर आप लोग को जाना है देन आप लोग को इस शो को देखना पड़ेगा। इसका रिव्यू भी आप लोग को चैनल के ऊपर मिल जाएगा क्योंकि रिसेंटली अभी ये जो सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर ड्रॉप करी गई थी। एंड मेरे को भाई जिस जॉनर में ये शो आता है वो जॉनर तो नहीं पसंद है, लेकिन जिस तरीके से सीरीज को बनाया गया था आई थिंक जिन लोगों को भी ट्रू इवेंट पर बेस्ड क्राइम ड्रामा देखना पसंद है उन लोगों को कहानी अच्छी लगने वाली है। जितने भी लोगों ने इस सीरीज को देखा है सबने इसकी तारीफ ही करी है। एंड मॉन्स्टर्स यूनिवर्स के अंदर ये सीरीज आती है जिसमें आप लोग को इससे पहले जेफरी डैमर की भी कहानी देखने को मिली हुई है। टोटल सीरीज के अंदर आप लोग को 9 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं एंड इसकी डबिंग भी नेटफ्लिक्स ने काफी अच्छी तरीके से करवा रखी है, तो आप लोग डेफिनेटली इसको भाई नेटफ्लिक्स पे चेकआउट कर सकते हो। IMDb रीडिंग आप लोग को इसके 7.9 की देखने को मिल जाती है। सो बात करें नंबर 1 शो की, तो देखो भाई ये लिस्ट में एक ऐसा शो है जो कि आता है प्राइम वीडियो की तरफ से एंड इसको रिसेंटली प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में भी ड्रॉप करा गया है। सीरीज का नाम है फ्रॉम एंड ये एक हॉरर कैटेगरी का सीरीज है जिसके अंदर आप लोग को जो कहानी है कुछ ऐसे लोगों की देखने को मिलती है जो एक ऐसे मिस्टीरियस प्लेस के अंदर फंस गए हैं जहाँ पे आप लोग एंट्री तो कर लेते हो लेकिन उधर से बाहर निकलना काफी मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन ही है। एंड इस कहानी के अंदर ट्विस्ट तब आता है जब वहां पे जो लोग फंस गए हैं उस मिस्टीरियस जगह पे उनको ये पता चलता है कि रात में कुछ अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स आते हैं जो लोगों को तड़पा कर मारते हैं। तो वो लोग भाई किस तरीके से उस जगह से बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे, यही कहानी आप लोग को इस शो के अंदर देखने को मिलती है। अभी 2 सीजन इसके हिंदी लैंग्वेज में आ चुके हैं, तीसरे
सीजन का प्रीमियर चल रहा है एंड वो भी आप लोग को लाइक जल्द ही हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो अगर आप लोग एक अच्छा लाइक मिस्टीरियस हॉरर ड्रामा लाइक शो देखना चाहते थे देन आई थिंक ये शो आप लोग को पसंद आने वाला है एंड इसकी डबिंग भी लाइक प्राइम वीडियो ने काफी अच्छी तरीके से करवा रखी है, तो आप लोग डेफिनेटली इसको उधर जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो आप लोग को 7.7 की देखने को मिलती है। इसी के साथ ही इस बार के काउंटडाउन वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला काउंटडाउन वीडियो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।